अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब आदाब आदाब, क्या हाल चाल हैं जी? फिट हैं? एनर्जेटिक हैं? कहाँ हैं? यहाँ हैं। अरे मैं भी कहूँ, अंधेरा अंधेरा सा मुझे क्यों नजर आ रहा है? तो हुआ ये आज मेरे साथ कि मैंने चाहे कितनी ही मुनासिब और सही अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ठीक किसी गलती के बिना बात की है, लेकिन वो बात मैंने ऐसी जानिब की है कि जहां पे लोग ही मौजूद नहीं। तो क्या फायदा है ऐसी बात का जब आपकी टारगेट ऑडियंस ही वहां पे नहीं है? भाई देखिए, टारगेट ऑडियंस वो होती है कि आपने किसी से अगर कुछ कहना है तो वो वहां मौजूद भी हो। आप जनाब जंगल में बीन बजाए जा रहे हैं और कोई है ही नहीं उसको सुनने के लिए। तो हम अक्सर ये भी सोचते हैं कभी कभी कि दुनिया में जो लोग इधर उधर से आ रहे होते हैं, जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और आप कहते हैं ये क्यों आ गए, ये कौन है, ये क्या अफरा तफरी है, ये कौन इधर आके बैठ गया, ये कौन इधर आके खड़ा हुआ, इधर से उधर क्यों जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है लोगों को? तो ऐसे में हम कई दफ़ा ये भूल जाते हैं कि हम खुद टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्टेड नहीं। मसलन आप चाहते हुए भी अच्छी बातें ढूंढ के लाएंगे, लेकिन अगर उसको सही इंसान तक आप पहुंचा नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, ये टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है, ये वकला के लिए ज़रूरी है। कई दफ़ा आप बहुत अच्छा आर्गुमेंट लेके आए हैं और कमरा अदालत के अंदर बहुत अच्छा आर्गुमेंट है, लेकिन मे बी द कॉन्टेक्स्ट इज़ नॉट सेट। टेलीविज़न के ऊपर हम देखते हैं कि कई दफ़ा बहुत अच्छी बात हो रही है लेकिन टारगेट ऑडियंस सही नहीं है। करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में शायद कुछ ऐसी बात हो रही है जो कि बच्चों के प्रोग्राम में होनी चाहिए, बच्चों के प्रोग्राम में कई दफ़ा ऐसी बात हो रही थी जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में होनी चाहिए, सास के सामने कई दफ़ा ऐसी बात होती है जो ससुर के सामने होनी चाहिए। तो हम अक्सर बहुत अच्छी बातें लेकर आते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये कहनी कब है और किससे कहनी है। तो आज ज़रा पूरे दिन में आपने ये सोचना है कि बात अच्छी होगी लेकिन वो जिसके सामने कहनी है वो भी आपका टारगेट ऑडियंस होना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं अरशद महमूद साहब, जो कि एक चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल अक्वामी सतह के ऊपर इनके काम का तजुर्बा है और बच्चों को ख़ास तौर पे एब्यूज़ के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा काम है। और आज हम ये जानना चाहेंगे, होता है ना कभी कोई ज़ैनब केस हो गया, कोई और केस हो गया, और हम उस जब वो कोई केस होता है, कोई वाक़या होता है, तो जनाब हर चैनल उस पर प्रोग्राम कर रहा है और करंट अफेयर्स के शोज़ हो रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ के अंदर बात हो रही है, लेकिन जब कोई मसला नहीं होता फिर हम एज सोसाइटी, हम माशरे की हैसियत से उसको हम भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि वो कोई वाक़या था भी। होना ये चाहिए कि नॉर्मल रूटीन के अंदर हम अपनी माशरे की तर्ज को ऐसे सजाएं, हम अपने लाइफस्टाइल को, हम अपने बच्चों की ग्रूमिंग को इस तरह से लेकर चलें कि कोई इवेंट होने से पहले, कोई वाक़या होने से पहले ही हमारी तशखीस शख्सियत जो है उसकी तरबियत साजी होती चली जाए। तो आज हम अरशद साहब से बच्चों की जो एब्यूज़ है, ख़ासतौर पे चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, उस हवाले से बात करेंगे कि इस क्या जो बड़ा वाक़या होता है तो क्या डेली के आदाद व शुमार भी हमारे सामने आ रहे हैं, इस पर कोई काम हो रहा है हुकूमती सतह पे, रिसर्च क्या कहती है, इस हवाले से हम कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे। अच्छी खाला मोस्ट डेफिनेटली हमारे साथ हैं। आज शहजादी की कहानी है जिसको एक जिन ने कैद कर लिया और शहजादा उस तक कैसे पहुंचता है, वाजिबा बड़ा नया प्लॉट नहीं है ये, लेकिन अच्छी खाला की कहानी का स्टाइल ऐसा होता है कि वो हर पुराना प्लॉट नया प्लॉट बन जाता है। और साइम मेरे क्लास फेलो मेरे साथ बैठेंगे और मैं और साइम और आप सब मिलकर अच्छी खाला की कहानी सुनेंगे। सदफ डेफिनेटली हमारे साथ होंगी और सदफ हमें बताएंगी कि सोशल मीडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से कौन से दो तीन ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेकर हम चलें तो हम फॉल्स इंफॉर्मेशन, यानी कि झूठी गलत पोस्ट्स इंफॉर्मेशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको हम फॉरवर्ड और शेयर करने से कैसे रुक सकते हैं या उस पर रिएक्ट करने से कैसे अपने आप को रोक सकते हैं। तो ये सब है आज के ब्रेकफास्ट एट होम में आपके लिए हमारे पास। बट लेट्स स्टार्ट विद ट्रेनर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग तौसीफ भाई, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, आप कैसे? वाह, आज तो मेरे और काशिफ के सॉक्स बिल्कुल मैचिंग है। हम दोनों प्लानिंग कर लेते ना कि यार नेक्स्ट डे क्या पहनना है, क्या करना है। Exactly. आज वैसे भी काशिफ के पूरे लिबास में कौन सा आपके लिए सवाल है, कौन सा रंग है जो नहीं है, कौन सा रंग है जो नहीं है? जी आज हमारे 50 प्लस जो अफराद हैं
बुजुर्ग हैं आप 50 प्लस तो नहीं है? नहीं नहीं अभी तो कहां वो साइम के आप एज फेलो हैं और क्लास फेलो हैं। हां तो साइम और मैं दोनों भी आपको आप साइम को देखेंगे अभी थोड़ी देर में। आप मुझे बताएं साइम आपको 50 का लग रहा है? नहीं बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं लग रहा ना अभी आप तो फिर देखें ना तो जवाब आपको खुद ही मिल गया। तो हमारे बुजुर्ग अफराद के लिए आज का जो हमारी निशस्त है इससे पहले मैं बताता चलूँ आज का वर्कआउट शुरू करने से पहले कि जितनी मेरी निशस्त आवरी रही है इस सेगमेंट के लिए वो हमने बुजुर्गों के पट्ठों की मजबूती के लिए या अफराद बहम माजूरी जो हैं उनके पट्ठों की मजबूती के लिए, लेकिन आज जो हमारी तरबियत है वो हमारे जोड़ों की है। तकनीक थोड़ी सी मुख्तलिफ है लेकिन जरूरी कि बुजुर्ग वो अफराद जिनको जोड़ों का मसला है हाँ बुजुर्ग नहीं भी हैं तो वो भी इससे बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ख्याल ये रहे कि आपकी जो कुर्सी है वो उस जगह पे मौजूद हो जहाँ पे पीछे दीवार हो या कोई ऐसा शख्स आपके साथ मौजूद हो जिसने कुर्सी को पकड़ा हुआ हो, और किसी सूरत में आपको अगर कोई भी मसला हो तो आपको मदद कर सके। सबसे पहले हम शुरू करेंगे टखनों की वर्जिश। हमने यूं बैठना है टेक लगा के और आपने एक पांव को उठाया सीधी टांग को और ऊपर करना है और फिर नीचे करना है, ऊपर और नीचे ये करना है 10 से 12 मर्तबा, और उसके बाद दूसरी टांग उठा के। बज़ाहिर तो बहुत आसान होगा लेकिन मुझे मालूम है जो अफराद मेरे बुज़ुर्ग जोड़ों के दर्द से या जिनसे चलना नहीं जाता उनके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा इसके बाद अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपने दोनों टांगें ज़मीन पर रख के पाँव ज़मीन पर आऊँगे, आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए, आपका पाँव एड़ी ऐसे ना हो या ऐसे ना हो, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए आपका पाँव। अब आपने करना क्या है कि ऐसे ऊपर उठाना है, वापस रखना है, आगे से उठाना है नॉन स्टॉप, आगे से बैकवर्ड्स 10 से 12 रैप्स। आप खामोश क्यों हैं तोसिक भाई? नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो इवन जवानों को भी ये करना चाहिए, खासतौर पर जब हम जहाज में परवाज के दौरान होते हैं तो जो लंबी फ्लाइट्स होती हैं उसके अंदर बाकायदा ये कहा जाता है कि आप अपने एंकल्स को अपने पाँव को अपने हाथों को मूवमेंट में रखें, इसलिए कि खून का जो रवानी है की रवानी जो है बहुत जरूरी है, वो जरूरी होती है, और आपके जॉइंट्स जो है वो हरकत में रहे। देखिए दर्द की वजह ही ये है कि आपके जिस्म में जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होता है वो इस वजह से होता है कि उस हिस्से में खून की पूरे तरीके से रवानी नहीं हो रही होती। जब हम वर्जिश करते हैं, वर्जिश करते ही क्यों है उसके पीछे साइंस ये है कि जब हम वर्जिश करते हैं जैसे लोअर बैक की इंजरी होती है तो लोअर बैक की हमने काफ़ी एक्सरसाइज बताई हैं आपको, तो जब वहाँ से खून की रवानी होती है तो वहाँ से दर्द जो है इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म हो जाती है। इसी नोट के साथ अगली हरकत की तरफ चलते हैं। आपने टांग यूँ करनी है, अब यहाँ पर फोकस जो हमारा ये घुटने पर नहीं करना, आपने अपने टखनों पे रखना है, ठीक है? तो टेंशन रहेगी तकरीबन आपका पांव ऐसे रहेगा। लेकिन टांग के मसल्स भी तो काशिफ मेरे ख्याल साथ स्ट्रेच हो रहे हैं, लेकिन आपने जो जोर है आपका जो फोकस देखे माइंड मसल कनेक्शन की हम हमेशा बात करते हैं, इसमें मैं चाहूं तो मैं यहां पे भी अपने कैफ से भी फोकस कर सकता हूं, घुटने पे भी कर सकता हूं और टखनों पे, लेकिन करना टखने पे, टखने पे फोकस करना है। और आपने यही टेंशन में रख के क्योंकि आपकी टांग उठी हुई है और आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक? कड़ाके निकल रहे हैं मेरे, फ्लेक्स मुझे महसूस हो रहा है। इसके बाद आपने पहले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आगे क्या है? जैसे दूसरी टांग पे लिए आपके पास, इसके बाद हम चलते हैं जी। ये थोड़ी सी इसमें टेंशन रख रहा हूँ मैं वर्जिश की इस हरकत में क्योंकि बहुत ज़रूरी है फ्लेक्सीबिलिटी, और आपके टखनों की फ्लेक्सीबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके उसकी वजह से मसाइल बहुत होते हैं अक्सर हमें चलने में। अच्छा जी आपने रेजिस्टेंस बैंड या इलास्टिक जो है आपने यूं फंसा के और आपने अपनी टांग को अब इसमें जो आप टेंशन महसूस, आप ये गौर कीजिए कि मेरी इस वर्जिश की हरकत से मेरे जो कूले हैं उन पे ही फोकस है, और आपने कनेक्शन रखना है और आपने फील करना है, फील द बर्न, फील द कनेक्शन, स्क्वीज करना है, रिलैक्स करना है। लेकिन देखिए मेरी टांग ऐसे नहीं जा रही तो सीख भाई, नीचे नहीं जा रही 90 डिग्री पे, थोड़ी सी डायगनल्स है, डायगनल है। 12 से 10 रेप्स करने हैं, इसी तरह से दूसरी टांग पे स्विच करेंगे। अब हम चलते हैं अपर बॉडी की तरफ, अपने पोजीशन ठीक करनी है, इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है, और यहाँ पर आपके आपने
कॉन्ट्रैक्ट या जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी हो उतना आप पीछे जा सकते हैं। जाना पीछे है, इसको वाइड नहीं करना, स्ट्रेच करना है, खोलना है और यहाँ पे कोई जल्दी नहीं है। मैं अपने बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने तेज़ी में कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आराम से वर्जिश करनी है अपने पट्ठों की। ये 50+ खासतौर पे 60+ के हमारे वो नाजरीन जो कि ये समझते हैं बस जी अब तो हम 60 टाप गए हैं, बस जी हम तो बस वो यू नो एक कोने में बस हम बैठ गए हैं, 70 टापे तो बस तो हिलना बिल्कुल मना हो गया। ऐसे अफराद को हम इनक्रेज करते हैं कि आप भी वर्जिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चल नहीं सकते तो कुर्सी पे बैठ के आप वर्जिश कर सकते हैं। अपनी बॉडी को हरकत में रखना है, अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी उम्र दी है आपने एक्टिव रहना है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक खास चीज़ कहना चाहूँगा जो कि मेरे जहन में आई है अचानक से। अक्सर जहन में मेरी चीज़ को याद है, मैं भूल जाता हूँ, तो आज मेरे उम्र का तकाजा है, ऐसे होता है, लिख लिया करें। होता ये है कि ये देखें, जब ये मैंने सेगमेंट शुरू करना था और साथ साथ मैं आपको एक हरकत भी बता दूँ वर्जिश की, आपने इसको यूं करके और तितली बन के उड़ना है। तितली बन के नहीं, देखिए हमारे लिए तो बहुत फन सा होगा लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं बहुत सीरियस बुजुर्गों के लिए बहुत मुश्किल है और उनके मैं चाहता हूँ कि वो करें तो सही एटलीस्ट। क्योंकि जो मैं बात करने जा रहा हूँ अभी आपकी बात से, मैंने कहा था कि मेरे जहन में है कि मैंने जब ये सेगमेंट स्टार्ट किया था तो मेरे लिए इम्पॉसिबल लगता था कि मैं सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के कैसे इसके लिए आऊँगा, लेकिन हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है। यही तो एक चीज़ है कि हमारी बॉडी बड़ी चालाक है, जिसकी बात तौसीक भाई कल कर रहे थे। अगर आप अपनी बॉडी को आदत डालेंगे किसी चीज़ की, उसको आदत पड़ जाएगी, थोड़ी सी एफर्ट होगी, उसके बाद सुकून ही सुकून है। उसके बाद आपकी बॉडी, आपकी छुट्टी भी होगी तो 6 बजे भी आँख खुल जाएगी। हफ्ते इतवार को ऐसा ही होता है, जब मेरी छुट्टी होती है मेरी आँख खुल जाती है। अच्छा जी, ये हमारे बुजुर्गों के लिए वर्कआउट था। एक क्विक सा आखिरी, हमारे जो दोस्त चुस्त हैं और एक्टिव हैं, उन लोगों के लिए तोज़न, फुर्ती और थकान के लिए एक मैं दो एक्सरसाइज लेके आया हूँ। आपने हर वर्जिश की हरकत को आपने एक एक मिनट तक करना है, कोशिश करें रेस्ट ना करें और उसके 5 से 8 सर्किट्स करने हैं। रेस्ट की ज़रूरत है कर लें और थोड़ा सा पानी पी लीजिए। स्टार्ट करते हैं, आपने इस पोजीशन में आना है और टाइमर लगाना है आपने, क्योंकि अच्छा। हाँ, ये फुर्ती के लिए तो जितनी पेस होगी उतनी इफेक्टिव आपके लिए। और ये तकरीबन 60 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स 8 सर्किट्स करने हैं। दूसरी एक्सरसाइज बताने लगा हूँ, ये हमारी फुर्ती के लिए था और थकान के लिए थी, आपने याद रखना है। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी, आपको एक चीज़ याद आएगी इस पोजीशन से, आप और मैडम थी हमारी, एक सेगमेंट क्या करती थी रिदा आपकी, एक स्क्वाट पोजीशन में मैं था और आप लोगों ने उसको लेके बहुत फन किया था, बाबा एक स्टैचू को लेके। तो इस पोजीशन में आपने आना है, लेकिन इस मरतबा मैं पूरे अपने हील पे नहीं हूँ, मैं टोस पे हूँ, ये आपके तवाजुन के लिए है। और आपने यहाँ आके बैक स्ट्रेट टोस पे रहना है और बैलेंस करने की, बैलेंस करना है 20 से 30 सेकंड के बाद। मैं शर्त लगाता हूँ आपके साथ, क्या आप गिर जाएंगे, आपकी बॉडी कपकपाहट आ जाएगी आपकी बॉडी में। अपने अपने आपका फोकस करना है, तवाजुन के लिए है, 30 सेकंड से 1 मिनट। याद रहे वर्जिश की हर हरकत हर फर्द के लिए नहीं होती है, आपकी सेहत आपकी तबीयत के मुताबिक होती है। दैट्स द डिस्क्लेमर। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच ट्रेनर काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आने वाला वीक जो है उसके अंदर आपको बताते चलें कि आपके बहुत से सवाल इकट्ठे हो चुके हैं जो ब्रेकफास्ट एट होम के हमारे फेसबुक पेज पे आप भेजते हैं, इनबॉक्स करते हैं आप हमें सवाल। तो मंडे ऑनवर्ड्स रोज़ाना हम कुछ कुछ सवाल साथ साथ लेकर चलेंगे। आपके जहन में कोई सवाल है ट्रेनर काशिफ से, ट्रेनर तहमीना से, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कीजिए अपने नाम के साथ, अपनी जगह के नाम के साथ अपना सवाल, और ये बहुत खुशी से आपको आपके सवाल का जवाब इनबॉक्स में जवाब देंगे या ऑन एयर जवाब देंगे। एक लाइन में मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, माफ़ कीजिए आपकी बात काटी मैंने, जो हमारे एक व्यूवर ने हमें एक सवाल किया था, 17 साल के हैं वो, 4-5 दिन से मैसेज कर रहे थे, वो वज़न गेन करने के लिए बात कर रहे थे। वज़न बढ़ाने के लिए भाई आपको रेपिटेशन 6 से 8 रखनी पड़ती हैं, आपको रोटी चावल ज़्यादा रखना पड़ता है और रेस्ट एक्सरसाइज के दौरान कम करना पड़ता है। हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा वर्जिश करें, आपका वजन बढ़ेगा, आपकी उम्र 17 साल है, पिंडी गैप से मैसेज, तो आपका बहुत शुक्रिया, मैसेज करते रहिए। लेकिन ये जवाब हम तफसील से बाद में मंडे ऑनवर्ड्स लेंगे, ये काफ़ी नहीं था। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूरिया ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं तो मैं और साएं मच्छी खाला से कहानी सुनेंगे। सब लोग इकट्ठे हो जाएं, आ जाएं जी, आ जाएं, कहानी शुरू होने वाली है।
चलो जी चलो सब रेडी हो जाओ, अच्छी खाला की कहानी शुरू होने वाली है। आदाब, अस्सलामुअलैकुम। जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है अब आपकी? पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी असरात हैं। अभी भी इस्लामाबाद और पिंडी की सर्दी के असरात आपकी आवाज में भी लग रहा है। और हमने सबने इतनी दुआएं की आपके लिए फेसबुक पे, जनाब लोग के अच्छी खाला को हमारा सलाम, हमारा प्यार, हमारी दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत सबकी मैं बहुत मशकूर हूँ इस मोहब्बत, इस प्यार की। आज क्या कहानी है जी? साइम भी आए हुए हमारे साथ कहानी सुनने। हाँ जी, साइम भी आए हुए और साइम की बहुत हिम्मत है कि सर्दी में उठ के इस वक्त आ गए। ठीक है, इनको तो शाबाश मिलनी चाहिए डबल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? OS3। हमें तो 3 नहीं याद होता था, अब ये OS भी हो गया। OS भी हो गया। अच्छा, और साइम को कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है? मैथ। लो जी, कम हो गया फिर तो मैथ्स। और कौन सा अच्छा नहीं लगता इतना? उर्दू। अच्छी खाना की मौजूदगी, तुमने बहुत खतरनाक जुमला कह दिया। उर्दू अच्छा नहीं लगता? लो भाई, क्यों? अब इंटरव्यू दो तुम। क्यों? क्या चीज अच्छी नहीं लगती? बेटा, हमारी पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू। तो फिर उर्दू क्यों नहीं अच्छी लगती? देखे ना, ये अच्छी खाना, ये तो है ना, ये आपकी अपनी जुबान है उर्दू। दुख तेरा छेड़ दी है साहिब ने, अच्छी खाना। मेरा तो ख्याल है एक प्रोग्राम उर्दू जुबान पर भी होना चाहिए। वाकई नहीं, एक दिन मेरा ख्याल है शायरों पर, शायरी पे, है ना? बड़े बड़े शायर जो है, उन्होंने इतने कलाम, उनका जो है वो इतने मैसेजेस हैं कि बच्चों को पता होना चाहिए। और अच्छी खाना, जब उर्दू को कोई कहता है ना कि मुझे मुश्किल लगती है, पसंद नहीं, मैं कहता हूँ अच्छी खाना के तो मुश्किल लगती, ठीक है, मुश्किल लगती ठीक है, कि उर्दू जो है वो मुश्किल है, लिखना मुश्किल है अंग्रेजी के मुकाबले में, उर्दू लिखना मुश्किल है। ठीक है, ठीक है, बोलना आसान है, लिखना मुश्किल है, वो ठीक है, मुश्किल की जहाँ तक है वो तो इजाजत है, लेकिन पसंद नहीं की गुंजाइश नहीं, ये गुंजाइश नहीं। आज साइम ने आज प्रोग्राम के आगाज में, आपको याद आया मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि बात तो कई दफा ठीक होती है, लेकिन कहाँ कहनी है नहीं कहनी, इसका हम ध्यान भूल जाते हैं। साइम ने अपनी मासूमियत में अपने दिल की बात सही कह तो दी, लेकिन आगे बैठी थी अच्छी खाला। बेटा, मैं उर्दू की टीचर रही हूँ, उर्दू पढ़ाती रही हूँ, इसलिए तो बहुत जख्मों पे नमक छिड़का गया। अच्छा, अच्छी खाला कहानी शुरू करते हैं। और ये आपका वैसे मशवरा बहुत अच्छा है, किसी दिन साथियों अच्छी खाला को हम अपने मेन सेगमेंट में लेके आएंगे, ताकि पूरा आधा घंटा बैठ के हम आपसे टिप्स ले सकें कि वो हमारे स्टूडेंट्स जिनको उर्दू जबान लिखना या पढ़ना या समझना मुश्किल लगता है, उनको, उनके लिए आपने एज आप उर्दू लिटरेचर की और जबान की, लिंग्विस्टिक की प्रोफेसर रही हैं, तो आप हमें कुछ टिप्स दीजिएगा कि उसको हम कैसे आसान बना सकते हैं। ये किसी दिन का एक तैयारी हमने कर ली, मैं और साइम बैठ के आपसे टिप्स। और उस दिन साइम जरूर आएंगे। साइम जरूर आएंगे उस दिन, बिल्कुल डन हो गया। अच्छा जी, कहानी शुरू करते हैं। हाँ जी साइम, आज कहानी जो है ना स्पेशली आप बच्चों के लिए है, कि एक शहजादी और शहजादे की कहानी। ओहो, ठीक है। और उसमें एक बहुत बड़ा देव, वो जो साइक्लोप्स वाला था ना, वो इंग्लिश की तो स्टोरी सुनी हुई है ना आपने, वैसा एक होता है, एक तो जिन होता है, जिन से भी जिन बड़ा? जो है नहीं जी, जिन तो एक कौम है ना, जो इंसानों से पहले थी इस दुनिया में, ठीक है, जिन्नात। लेकिन देव जो है वो एक बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की चीज है, और जिसका जो कद है वो जो है वो कई सौ फुट होता है, और वो बहुत मोटा होता है, और उसके बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े पांव होते हैं, जैसा साइक्लोप्स में था, उसमें भी तो दिखाया हुआ है ना, उसमें ह्यूज, हाँ, उसमें ह्यूज है वो, है वो खड़ा होता है, उसके टांगों के बीच में से निकल जाते हैं इंसान, बिल्कुल यानी बिल्कुल इतना ह्यूज होता है, इतना ह्यूज होता है। ठीक हो गया जी। तो जनाब एक शहजादी थी बहुत खूबसूरत, और जनाब एक देव जो था वो उसका कहीं वहां उन उसके महल पर से गुजर हो रहा था, उसने शहजादी को देख लिया, और उसने वहीं से झपट के शहजादी को उठाया, और उठा के जनाब वो अपनी दुनिया में ले गया। ओके। जंगलों के पीछे, पहाड़ों के ऊपर, बहुत ऊपर ले जाके उसने शहजादी को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। बस वो वहां पे कैद रहती थी,
जब वो देव आता था वो उसके लिए कुछ फल कुछ खाना लाता था, वो खाती थी, वो फिर उसे कैद करके बंद करके चला जाता था। बंद भी उसने उसे किया था, कमरा था एक, उसके साथ एक नदी बह रही थी और उसमें एक बहुत बड़ा पिंजरा था जिसमें जानवरों को नहीं बंद करते, परिंदों को। अच्छा। उस किस्म का पिंजरा था, उसके अंदर शहजादी थी। ठीक। अब शहजादी बेचारी जो है वो कई कई दिन जो है वो रोती रहती थी। जाहिर है उसे अपने माँ बाप, अपना शहर, अपना वतन याद आता था, तो वो रोती थी। जब वो रोती थी तो उसके आंसू जो हैं वो टपक टपक के वो पानी में गिरते थे, वो जो छोटी सी नहर या दरिया या नाला था, और उसमें पानी में गिरते ही उसके आंसू मोती और हीरे बन जाते थे। अरे वाह जी, मोती और हीरे जब बनते थे तो ये वो बहकर आगे जाते थे। एक दफा उस नदी वो आगे जंगल में चली जाती थी। एक दफा एक शहजादा जो है वहां शिकार के लिए आया हुआ था। शहजादे उमूमन शिकार करते हैं, घोड़ों के ऊपर बैठे हुए शिकार करते हैं तीर से, कोई काम नहीं होता। आजकल के शहजादे जो हैं वो वैसे आराम करते हैं, वो उस वक्त शहजादे शिकार करते थे। तो जनाब जो शहजादे हैं, आजकल भी शहजादे होते हैं, जी जी बिल्कुल होते हैं। हाँ जनाब, तो जो शहजादे थे, वो शहजादा जो था उसने उस नाले में से घोड़े को जब पानी पिलाना चाहा तो उसने देखा कि मोती और हीरे बह बह के आ रहे हैं नाले में। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कहाँ से आ रहे हैं। खैर वो उसने ना साथ ही साथ ना चलना शुरू किया। जो सिपाही थे टेंट वगैरह में वो बैठे हुए थे, वो इतना बॉदर नहीं करते थे कि शहजादा इधर उधर घूम रहा, बस नजर रखते थे। शहजादा जो है वो चलता 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 वो वहां तक पहुंच गया पहाड़ के उस जगह जहाँ के शहजादी पिंजरे में कैद थी। लॉज। अब जनाब उसने शहजादे ने देखा तो उसने कहा कि ये तुम्हें किसने कैद किया। उसने कहा कि मुझे एक बहुत बड़ा देव है, वो आया है उठा कर लाया है, उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है, तुम भागो भागो यहाँ से, वरना वो तुम्हें जो है ना तुम्हें चीर फाड़ देगा, वो यहाँ किसी को आने नहीं देता। उसने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता। उसने इधर उधर गौर किया, देखा एक बहुत बड़ा सा पलंग था जिस पे वो देव सो रहा होता था। वो जनाब उस पलंग के नीचे घुस गया, शहजादा छुप गया। अच्छा। उसने कहा वो आए तो मैं उसे देखूं भाई वो क्या कर सकता है। जब वो उसके नीचे चला गया तो थोड़ी देर में जनाब देव आया और फू 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 करता, और एकदम उसे इंसान की खुशबू आ गई। वो एकदम हुआ आदमबू आदमबू आदमबू। वो शहजादी बेचारी कहती है कौन आएगा यहाँ पर आदम, मैं ही आदम हूँ एक, मैं इंसान हूँ। शहजादी ने उसको बचाने की कोशिश बचाने की, तुम्हारी बू आ रही है क्या, क्या? अच्छा। उसने उसे फल दिए खाने को और उसी पलंग पर जो है वो सोया। वो कह शहजादी कहने लगी तुम इतने बेखबर सो रहे हो, अगर तुम्हें कोई आकर मार जाए तो उसका क्या। वो कहते हैं ऐसे नहीं मैं मरता, क्योंकि ये जो मैं देखा है तोता टंगा हुआ इधर, मेरी जान इस तोते में है। ओ अच्छा, इस तोते में मेरी जान है, इस तोते को अगर कोई मारेगा तो मैं मरूंगा, वरना मैं नहीं मरूंगा। यानी असल मेन कैरेक्टर तो फिल्म में अबिन हुआ। हाँ, तोता तोता तोता। अब जनाब वो शहजादी ने तो सुनना, शहजादी ने जानबूझ के ये सवाल किया। शहजादा सुन रहा था कि इसको कैसे मारा जा सकता है। यस, क्योंकि देव असल में खुद तो इतना बड़ा और ताकतवर था कि उससे मुकाबला नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता मुकाबला। अब जनाब क्या हुआ कि उस शहजादे ने जो है वो आहिस्ता से जब देव सो गया और उसके खर्रांटों की आवाज आने लगी, इतने बड़े खर्रांटे थे कि सब जगह कांप रही थी। अच्छा, अब जनाब वो ना शहजादा निकला, उसने जनाब पिंजरा खोला, पिंजरे में से उस तोते को निकाला, उसके बाद शहजादी को किया और उसने जनाब शहजादी को पकड़ के बाहर निकाला। अब वो जब भाग रहे थे तो देव की आंख खुल गई। ओ, देव की जब आंख खुली तो उसने कहा ये आदम था जिसकी बू मुझे आ रही थी, मैं अभी इसे पकड़ता हूँ। जैसे ही वो उठा शहजादे ने तोते की एक टांग मुरोड़ी मुरोड़ी और उसको ना तोड़ दिया।
टांग टूट गई, दो वहां यूं झुक के रुक गया, गिर गया। अब शहजादे ने उसकी बाजू को तोड़ा और फिर उसके बाद शहजादे ने तोते की गर्दन मरोड़ दी, तो देव खत्म। और शहजादा शहजादी को लेके बिठा के उसी दरिया के किनारे से चलता हुआ, अब शहजादी चूके रो नहीं रही थी इसलिए दरिया में ना वो मोती थे ना वो हीरे थे, शहजादी ने हंसना शुरू किया तो उसके मुंह से फूल झड़ने लगे। शहजादी के ये मुंह से फूल झड़ रहे थे। शहजादा बड़ा खुश हुआ, उसे उसके वालदैन के पास पहुंचाया, उस ममलकत में बादशाह वो बहुत खुश हुआ। शादियाने बजे, शहजादे और शहजादे की शादी होगी और शादी होगी, हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन अच्छी खाला, इस कहानी में एक किरदार जो है ना, तोता। हाय, बड़ा मजलूम किरदार है, मतलब तोता बेचारा अपनी जान से गया। वो तो फिर ऐसा ही होता है, किसी को कुर्बानी तो देनी पड़ती है, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। अच्छा, ये जो अच्छी खाला की कहानियां ना, जो हंसी खुशी आखिर में सब रहने लगे, इसमें जब जो एंड होती है ना, हाँ जी, ये बड़े मजे का एंड होता है। क्यों सायम, आपको कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी तो अब आप उर्दू की कहानियां पढ़ेंगे। हाँ, आपको उर्दू आसान लगेगी जब आप आहिस्ता आहिस्ता उर्दू की स्टोरीज पढ़ेंगे और उनमें दिलचस्पी लेंगे, तो फिर आपको उर्दू भी आसान लगेगी। बिल्कुल, और अगर आपको अच्छी भी लगेगी। और उर्दू को आसान करने के लिए अच्छी खाला किसी दिन टिप्स भी लेके आएंगे। बिल्कुल, अच्छी खाला थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजे की कहानी थी। और काश हमारे आंसू भी गिरे तो हीरे मोती बन जाए, कम से कम रोने का कोई फायदा तो, रोने का, और हंसे तो फूल खिले तो सारा गुलो गुलजार हो जाए। क्या बात है, लेकिन ये सब बातें शहजादे और शहजादियों की कहानियों में होती है। अच्छी खाला थैंक यू वेरी मच, आपकी सेहत के लिए बहुत सी दुआएं हैं। हम चल के लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर या ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सदफ हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ सोशल मीडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से जबरदस्त अहम टिप्स लेके आई हैं। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सदफ हमारे साथ मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम अलैकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप बहुत खुशकिस्मत हैं, पता है आपको, बाकी जितने पूरे वीक के हमारे सेगमेंट होस्ट हैं वो आपसे इस कदर हसद करते हैं कि आपको अंदाजा नहीं। वो कहते हैं भाई सदफ के जिस दिन सेगमेंट होता है उस दिन अच्छी खाला की कहानी होती और यहाँ बैठ के कहानी सुनती है, और इतनी मजे की कहानी और उसके बाद इतने मुश्किल टॉपिक्स पे मुझे आना पड़ता है। लेकिन वैसे ये जो हसद वाली बात है ना, ये मुझे इस पे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है ना, इसकी सदाकत पे। हम कह सकते हैं रश्क करते हैं, बिल्कुल। नहीं, अच्छी खाला की कहानियाँ हमेशा बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, आज उन्हें अपने वो बीमार हैं और उसमें जो कहानी सुनानी पड़ी है exactly. तो वो सुन के थोड़ा सा सर्दी वाकई बहुत ज़्यादा है, और उसमें जिस किस्म की बीमारियाँ एंड स्ट्रगल चल रही हैं। एनीवेज, आज जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ थोड़ी डिफरेंट है। आपकी फैमिली में व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं? बिल्कुल है। और फिर उन ग्रुप्स पे बहुत सारे लोग फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड के नाम से कुछ चीजें भेजते होंगे। बिल्कुल करते हैं। तो आपको पता चला कि डायबिटीज का इलाज भी दरियाफ्त हो गया है, और कीनू के छिलकों से मलेरिया ठीक हो जाता है, और डेंगू ठीक हो जाता है कोई पपीते के पत्तों से। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे कि जब स्पेशली व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग कोई ऐसी चीज़ें फॉरवर्ड करती हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक। हमारी जनरेशन के या हमसे छोटे जो बच्चे हैं वो फिर भी, क्योंकि वो डिजिटल नेटिव्स हैं, वो उनको अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। लेकिन जो मेरी पेरेंट्स की जनरेशन है या जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है स्पेशली, वो इस मालूमात को हमेशा उस पर, उसकी सदाकत पे यकीन कर लेते हैं और उन टोटकों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। या अगर कोई ऐसी बात होने लगे कि फलानी चीज़ के अंदर
कोई कैंसर वाली कैंसर पैदा करने वाली चीज़ें मौजूद हैं, तो इस किस्म की जो एक स्केयर मॉन्गरिंग होती है उसके ऊपर भी यकीन करना शुरू कर देते हैं। तो आज हम लोग बात ये करेंगे कि जब आपके पास कोई मालूमात आए स्पेशली डिजिटल फॉर्म में, वो चाहे टेक्स्ट की शक्ल में हो, कुछ लिखा हुआ हो, कोई तस्वीर हो, या इवन अब वीडियोस को मॉर्फ करने के ऐसे सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप का नाम तो खैर अब सब ने ही सुना होगा, लेकिन अब डीप फेक्स की एक वीडियो टेक्नोलॉजी आई है जो तस्वीरों को लेके एक बिल्कुल नई वीडियो भी तख्लीक कर देती है। यानी उस वीडियो में मैं होऊंगा, आप होंगे, लेकिन और असल में मैं वहां नहीं हूं, आप नहीं होंगे और आप कोई ऐसी बात कर रहे होंगे जो आपने कभी नहीं की होगी, और मैं हैरान होऊंगा कि ये कैसे क्या हो रहा है, और बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो लगी, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो लगी, और क्योंकि आप हैं तो आपके जो फैंस हैं और आपके जो मतदाता हैं वो आपकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक हो सकती है और नुकसान भी हो सकता है। तो इसका हल क्या है कि कैसे पता लगे कि ये ओरिजिनल है या फेक है? बिल्कुल, तो सबसे पहली जो चीज आपका ध्यान रखना है, अगर कोई चीज आपको एक कॉमन सेंस, सबसे पहले तो कॉमन सेंस, ठीक है, अगर स्पेशली जब हम हेल्थ के मामले में जो मालूमात हम तक आती हैं, अगर ज़ियाबतीस का मर्ज़ ऐसा होता कि वो कोई फल खाने से ठीक हो सकता तो पूरी दुनिया में इस वक्त एपिडेमिक नहीं होता। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ पर नज़र रखनी है कि क्या आपकी अकल मानती है कि ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि ज़ाहिर है अगर आप जैसी सेलिब्रिटी हो, कोई पर्सनैलिटी हो, और उनके मुँह से आप कोई ऐसी बात सुने जो आप उनके उस पर्सनालिटी से या उनके उस इमेज से मैच नहीं करती, ठीक है, तो भी आपको थोड़ी ज़्यादा तहकीक करनी चाहिए कि क्या वाकई ये दुरुस्त है। स्पेशली जो आजकल वो एक स्क्रीन शॉट्स वाला सिलसिला चला है ना कि किसी भी खबर के चैनल के लोगो लगा के लोग बहुत सारी अफवाहें फैलाते हैं और वो बाद में पता चलता है कि उस चैनल पे तो खबर चली नहीं, उस चैनल पे वो खबर नहीं चली, बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसे सोर्स का नाम इस्तेमाल किया जा रहा हो कि PTV पे ये खबर चल गई और आपने उसकी वो देख ली स्क्रीनशॉट, तो बजाय इसके कि उस स्क्रीनशॉट पे यकीन करें, PTV की वेबसाइट पे जाके देखें, TV ऑन करके देखें कि क्या वाकईतन इस किस्म की कोई खबर है, ऐसी है जो चल रही है या नहीं चल रही। एक तीसरी चीज़ का जो आपने ख्याल रखना होता है वो तारीख की बात है। अच्छा। क्योंकि एक बहुत टेक्निक जो ये गलत खबरें फैलाने वाले इस्तेमाल करते हैं कि वो तस्वीर तो सही होती है और वो जो भी वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं या तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं वो सच्ची होती है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में उसे पेश किया जा रहा होता है वो बिल्कुल गलत होता है। अच्छा, ऐसा तो करते क्यों हैं ये सब? इसी क्या कोई दिल को तसल्ली मिलती है, नफ्सियाती एतबार से इस पे भी रिसर्च होनी चाहिए, ये कौन लोग होते हैं? कौन लोग होते हैं? कुछ तो देखें, सिंपल सी जो बिल्कुल सिंपल सी बात है वो तो पैसा है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी फेक तस्वीरें ऐसी होती हैं जो वायरल करने के चक्कर में लोगों ने रखी होती हैं और जाहिर है क्लिक्स टर्न इनटू मनी, अगर कोई वीडियो है वो जितनी शेयर होगी उस पर एडवर्टाइजमेंट्स रिसीव होने शुरू होंगे, आपको नहीं पता कि कोई चीज़ या अपने किसी मुखालिफ को नुकसान पहुँचाने के लिए। तो हमें एज कंज्यूमर्स ऑफ सोशल मीडिया कॉन्टेंट हमें क्या करना चाहिए? आपने एक तो कहा कि पहली बात है कि फौरन यकीन नहीं कर लेना चाहिए, फौरन यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद उसको दिल भी कई दफा कर रहा होता है ना, इसको फॉरवर्ड करें। हाँ। और फिर इसको शेयर करें, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा आती है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसका आपको दिल कर रहा है तो उस पर खुद थोड़ी सी तहकीक कर लें। अगर आप गूगल पर जाएं, अगर स्पेशली आपके पास कोई तस्वीर आई है, गूगल में इमेज सर्च का एक फंक्शन आता है जिसमें अभी तो आप टेक्स्ट लिख के करते हैं ना, अगर आप सिर्फ इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो जो सर्च बार है उसमें कैमरा बना आ जाएगा। अच्छा। उस कैमरे पे आप क्लिक करें तो आप उस तस्वीर को अपलोड कर सकते हैं और गूगल आपको सर्च करके दिखा देगा और आप देख सकते हैं कि वो तस्वीर कहाँ कहाँ कब कब इस्तेमाल, ओरिजिनल फॉर्म शायद उसकी क्या, उसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, वो सबसे पहले किस कॉन्टेक्स्ट में आई। तो आपको अब एक बड़ी जो हमने चीज़ बार बार देखी है वो बर्मीज मुसलमानों की अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा और बहुत सीरियस इशू को एक मजाक बना देना या उसको किसी और तरह से किसी और एंगल से पेश करना, और ऐसा हुआ और बहुत सी उसकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज बनी। अनफॉर्चुनेटली मलाला यूसुफ़ज़ई की काफ़ी फेक तस्वीरें सर्कुलेट हुई। तो इन सारी चीज़ों के जब आपको लग रहा हो, क्योंकि ऐसी चीज़ों में हमेशा मसाला भी होगा,
कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो क्लिक बेट कहते हैं ना कि आपका दिल चाहेगा कि वो ये चौंका देने वाली बात है। और ऐसा हमने ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की राइवलरीज के अंदर हमने बहुत देखा, बहुत बड़े बड़े लीडर्स की तस्वीरों को मिसयूज करके किया गया और तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी के फैंस ने ये काम किया। तमाम इसको हम किसी को अक्रॉस बोर्ड वाकई कोई इससे ये अनफॉर्चूनेट किसी को हम माफी नहीं दे सकते। बिल्कुल। और वो फैंस होते हैं, वो शायद किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करना या किसी पॉलिटिकल लीडर को फॉलो करना आपका हक है, लेकिन अपने मुखालिफ लीडर की तस्वीरों को फेक करके उनको यूज करना मेरे ख्याल में बहुत ही अनएथिकल बहुत ज्यादा अनएथिकल है। इसी तरह एक तो मैंने सेहत की बात की, दूसरे आजकल जो बहुत ज्यादा रिवाज है वो फेक नोटिफिकेशंस का है। अच्छा। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी यूनिवर्सिटी के नाम से कोई नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा होता है, कभी हुकूमत की तरफ से, कभी छुट्टियों के भी नोटिफिकेशन होते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास एक अगर लेटर मौजूद है जो सही है तो आपके पास टेम्पलेट तो आ गई, सिर्फ आपने वो अपलोड करना है। ज़रा सी आपको फोटोशॉप स्केल आती हो तो आप उसका ओरिजिनल टेक्स्ट मिटाएं और अपना टेक्स्ट लिख लें। तो हमेशा, क्योंकि अब ये चीज़ें दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया भर में मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी को अब जमहूरियत के लिए, सोसाइटीज़ की बका के लिए ज़रूरी करार दिया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है आपकी आंख जो देखती है दिल उस पर यकीन करने का भी चाहता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो जो इल्यूजन्स हैं, कुछ चीज़ें हमेशा से हम फिल्मों में देखते थे ना, हमें पता है साइक्लॉप्स हमने देखा हुआ है, असली में तो नहीं होता, नहीं होता, लेकिन हमने देखा हुआ है और बड़ी रियलिस्टिक सिचुएशंस में देखा हुआ है। हाँ, क्योंकि वो एक फिल्म के अंदर था तो उसके ऊपर किसी ने यकीन नहीं किया, तो वो अब निकल के हमारी वो हाथ में, बिल्कुल अब वो चीजें हर एक के पास पहुंच गई हैं और वो जो फिल्म का कॉन्टेक्स्ट था, जो सिनेमा हॉल था, वो टीवी था, वो हट गया है। तो ये जो ड्रामे थे ये हकीकत के साथ मिलना शुरू हो गया और जो आपकी मेंटल प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो टॉप हम कहते हैं, एक तो ये कि किसी भी ऐसी बात का यकीन ना करें जिसका कोई सेंस ना बनता हो। अगर कोई ऐसी वैसी बात आपके सामने आए तो थोड़ी सी रिसर्च कर लें। लैंग्वेज पे बहुत ध्यान दें, अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उस वो उर्दू में हो या अंग्रेज़ी में हो, उसकी लैंग्वेज ठीक होगी, जबान ठीक होगी, वो कोई बाजारी लैंग्वेज में या ग्रामेटिकल इमला की मिस्टेक्स के साथ नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसी मसालेदार चीज है भी तो आपको क्या पड़ी कि आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मेरा ख्याल है एक चीज हमें प्रोएक्टिवली, थोड़ा हम एक्टिव सिटीजंस के तौर पर भी ना करनी पड़ेगी कि जब हमारे ये मेरी फैमिली के ग्रुप्स में बहुत ज्यादा करती हूँ कि जब कोई बड़ा बूढ़ा कोई चीज फॉरवर्ड करता है और उसको सच समझ के करता है तो बदतमीजी से नहीं, लेकिन जरूर पॉइंट आउट करें, ताकि ये एक सोसाइटल मसला है ना, जब आप एजुकेट करना शुरू करेंगे कि ये हमेशा दुरुस्त नहीं होता, कि एक बड़ा ये मैंने फेसबुक पे देखा है, हाँ, मैंने व्हाट्सएप पे देखा है। एग्जैक्टली तो ये ज़हन में रखें कि फेसबुक पे आ चीज़ का आने का मतलब ये नहीं है कि वो मुसादिका है, या व्हाट्सएप पे आने का मकसद ये नहीं कि मुसादिका है। सदर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी अहम चीज पे आपने आज निशानदेही की कि जो हम फॉरवर्ड कर रहे होते हैं फेक न्यूज को, फेक वीडियोज को, फेक पिक्चर्स को, फेक डॉक्यूमेंट्स को, इसकी तरफ से हमने थोड़ी सी एहतियात करनी, और हम समझते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने 8-10 लोगों को ऐसी शोर में फॉरवर्ड ही किया था ना। नहीं, वो फॉरवर्ड से होते होते वो माशरे का एक मसला बन जाता है। तो हल बनने की कोशिश कीजिए, मसला बनने की कोशिश न कीजिए। सदर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट वीकेंड अहेड। हम चल के लेंगे एक छोटा सा मशहूर या ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज हम कुछ बच्चों के हुकूक, खास तौर पे उनकी जो एब्यूज है उसको जरा डाइसेक्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये मसला क्या है। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। PTV Home, PTV News, PTV Global, United States, PTV Global, UK के तमाम नाज़रीन को हम खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स के इस खुसूसी सेगमेंट पे, नशिस्त पे, जिसमें आज हमारा साथ दे रहे हमारे बड़े अच्छे दोस्त अरशद महमूद साहब, जो कि
चाइल्ड राइट्स एक्सपर्ट और एक्टिविस्ट हैं। आदाब, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अरशद साहब, बच्चों के हकूक का जो मसला है उस पर अमूमन मैंने देखा कि मीडिया पर सिर्फ उस वक्त बात होती है जब कोई वाकया हो जाए, कोई बच्चे किसी बच्चे का या बच्ची का रेप हो जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई किसी का स्कूल में हाथ तोड़ दिया उस्ताद ने, कुछ कर दिया, पूरा मीडिया कहता है वाह जी वाह, मसाला मिल गया, मसाला मिल गया, मसाला मिल गया। आप इस ट्रेंड को सबसे पहले बताइए कि मीडिया एक्टिवेट हो जाता है किसी वाक्य पे, आप इस ट्रेंड को कैसा देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ है वो ब्रेकिंग न्यूज़ का एक इस वक्त एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो वो तो चल रहा है, लेकिन मेरे लिए इसमें अफसोस की बात यह है कि वो बातें आगे नहीं बढ़ती हैं। जिन बच्चों के साथ इस तरह के हमारे माशरे में जो वाकयात हो रहे हैं, अगर ये ब्रेकिंग न्यूज़ या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, फिर उनका कोई फ़ायदा भी हो, उसकी कोई फॉलो अप हो, एक कंटिन्यूटी हो, ताकि मदद हो, हेल्प हो कि माशरे में हम मजीद बच्चों को, अगर एक बच्चे के साथ अब्यूज़ का हुआ है तो और बच्चों के साथ ना हो। मीडिया फॉलो अप नहीं करता? नहीं, फॉलो अप तो नहीं है, बस एक उस वक्त होता है। बड़े मशहूर केसेस हुए हैं जिसमें कुछ दिनों के लिए फुल फोकस होता है, और जब कुछ दिन, थोड़े 5-6 दिन, हफ्ता, उसके बाद हम भूल जाते हैं, और फिर एक नई कहानी, हमें एक नया ब्रेकिंग न्यूज, एक नया केस चाहिए। मेरे ख्याल पूरी सोसाइटी का ही ट्रेंड बन गया। सोसाइटी यही, हम अभी जो सदर के साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी बात कर रहे थे, हमें 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 चस्का चाहिए, हमें मसाला चाहिए, और वो मसाला जब खत्म हुआ तो फिर कोई नया मसाला चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपने सही निशानदेही की कि मीडिया फॉलो अप शायद उतना इफेक्टिवली नहीं करता जितना। ना सिर्फ मीडिया बल्कि हमारी सिविल सोसाइटी, हमारा गवर्नमेंट, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, मतलब जिसको आप, हम सब इसमें शामिल हैं, मैं किसी एक को उस तरह नहीं, हम सब को एज ए सोसाइटी, आपने सही कहा कि एज ए सोसाइटी हमें जो है इन इश्यूज़ को अब देखना है और हमें जागना है, और जो मैं उसे कहता हूँ कि एक शुतुरमुर्ग अप्रोच हमने बनाया हुआ है ना कुछ चीज़ों के लिए, ख़ास तौर पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए, कि जी हमारे यहाँ तो ये नहीं होता है, ये कहीं और की बातें, तो अब वो साबित हो रहा है, हर हफ्ते साबित हो रहा है, ये वो केसेस हैं जो सामने आते हैं, जो नहीं आते हैं। आदादोशुमार है? बिल्कुल, इस पे तो बहुत सारे मतलब इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम मैं समझता हूँ साहिल है, जिनका डेटा, चूँकि वो हर साल क्रूअल नंबर्स के नाम से एक रिपोर्ट शाया करते हैं, और उसमें जो पिछले साल उनका डेटा था 2017 का, 18 की रिपोर्ट अभी उनकी आएगी, पहले 6 महीनों की आ चुकी है, तो उसमें लगभग 4,000 के करीब बच्चे जो हैं उनके साथ अब्यूज होता है। अगर हम आसान लफ्जों में, आप अगर हमें एक्सप्लेन करेंगे 2017 में पर डे कितने केसेस होते थे और 18 में वो बढ़े हैं कम हुए? 2017 में जो डेटा था उसके मुताबिक तो पर डे 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान में किसी भी फॉर्म का अब्यूज बच्चों के साथ, 9 बच्चों के साथ होता है पर डे 2017 में। और ये वो केसेस हैं जो मीडिया में रिपोर्ट होते हैं। साहिल का जो सोर्स है वो है। पाकिस्तान के 91 मुख्तलिफ अखबारों को मॉनिटर कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी पाकिस्तान से अखबारें निकलती हैं उन सब को मॉनिटर करके वो ये डेटा। और 18 में ये फिगर 9 से बड़ी कम हुई, क्या हुआ? 18 के पहले 6 महीने का जो डेटा है वो ये बता रहे हैं कि ये 12 पे चली गई है, 9 से 12। हालांकि आप ये देखिए अरशद साहब, के पिछले 2 बरस में मीडिया ने बच्चों के साथ मजालिम या अब्यूज़ का कोई भी केस उसको बहुत उठाया है, तो इसका मतलब है सिर्फ मीडिया पे निशानदेही हो जाना भी काफ़ी नहीं। हाँ, लेकिन इसमें शायद एक वजह ये भी है कि 2018 के स्टार्ट पे ज़ैनब का केस हुआ था, जनवरी 2018 में, जो बड़ा मशहूर हो गया था और मीडिया ने भी उसको काफ़ी अटेंशन दी, उस वजह से शायद लोगों में एक, चूँकि हम यूजुअली इसको अवॉइड करते हैं, सामने नहीं लेके आते हैं, छुपाते हैं, अगर तो वो ज़रा लोगों को एक मिली कि यार इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसको उठाना चाहिए। अच्छा अच्छा सर, ये बताइए कि अब्यूज़ की कितनी फॉर्म्स हैं, वो ज़रा हमें गिनवाइए। एक तो जिंसी ज्यादती है बच्चों के साथ, जिंसी है, फिर जिस्मानी जो अब्यूज़ है, जिस तरह स्कूलों में मार पड़ती है या मदरसों में या घरों पर, या वो जो फिज़िकल वो एक फॉर्म है, फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है, बुलिंग होती है बच्चों की, बच्चे एक दूसरे को या बड़े बच्चे छोटे बच्चों के साथ ये जो नाम पुकारते हैं और इस तरह के जो बाकी अच्छा, चीज़ें होती हैं, या मोटू पतलू इस तरह के नाम रख देना, ये भी अब्यूज़ के अंदर आता है। हाँ, अब्यूज़ का एक एक एक, एक अब्यूज़। इससे क्या बच्चे की नफ्सियात पे क्या असर? देखिए, ये तो सारी, हम जो किसी मोटे बच्चे को कहते हैं ओए मोटे, तो वो तो आगे से हंसता है।
ہم تو سمجھتے بڑا خوش ہو رہے ہیں. ہاں جنرلی یہ ہے, لیکن میرے خیال میں اس پہ اب بہت سے ملکوں میں تو بڑے آرگنائز طریقے سے کام ہو رہا ہے. میں ابھی ریسنٹلی فن لینڈ کا پڑھ رہا تھا کہ کس طرح وہ بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرے. اگر کوئی بچہ دوسرے بچے کو کچھ کہہ رہا ہے تو اور بچے کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہ کریں یا اس کو اس طرح نہ کہیں. ہمارے ہاں تو بڑا کامن ہے نام پکارنا اور تنگ کرنا ایک دوسرے کو, لیکن یہ بھی ایک فارم ہے ابیوز کی. اچھا, اور یہ ہو گیا سائیکولوجیکل. اور میرا خیال ہے کہ اس ابیوز کے اندر خود ماں باپ بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل. نہ آپ کسی ماں باپ سے پوچھیں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی کرتے ہو, کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میری اولاد ہے, میرا چاند سا بیٹا, میری پھول سی گڑیا بیٹی میری. لیکن ماں باپ کو اب آئیں ذرا بتائیں کہ ماں باپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی طرح کی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں بچے سے. دیکھیں, ایک میرے خیال میں ایک تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ماں باپ کا میں بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور ماں باپ کی رول پلے کر سکتے ہیں بچوں کو ابیوز سے, کسی بھی قسم کی ابیوز سے بچانے میں. اور اس میں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ وہ بچوں سے بات کریں اور بچوں کو یہ اعتماد دیں کہ آپ ہمیں ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کو بری لگتی ہے ہماری, یا کوئی اور آپ سے کچھ کہے تو اس پہ آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ تو کہ بچوں سے ماں باپ بات کریں. اس حوالے سے اور بھی ٹپس ہم ارشد صاحب سے لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم ذرا تھوڑا سا یہ بھی ڈائسیکٹ کریں گے کہ بچے, جیسا جو فن لینڈ کی مثال دی, بچے بچوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں کسی طرح بھی کی زیادتی سے بچنے کے لیے, اساتذہ, ماں باپ, اور پھر ایک دفعہ بات آئے گی اس تھرڈ پیرنٹ یعنی کہ میڈیا پہ, کہ میڈیا کیا کر سکتا ہے کہ بچوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل کو کم سے کم کیا جائے. صرف زیادتیوں کو رپورٹ کر دینا شاید کافی نہیں ہے. رہی میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں. بریکفاسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ آج ہمارے ساتھ ارشد محمود صاحب موجود ہیں, جو کہ بچوں کے حقوق کے حوالے سے ایک ایکسپرٹ ہیں, ایک ایکٹیوسٹ ہیں. ارشد صاحب, ابھی وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پیرنٹنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ذرا تھوڑا سا رخ اختیار کرتے ہیں اساتذہ کے. اساتذہ سے جب میں چاہے سرکاری اسکول چاہے پرائیویٹ اسکولس جب ملاقات کروں, مجھے تو آج تک فرینکلی کوئی ٹیچر ایسا نہیں ملا جس کو میں دیکھ کے کہوں کہ ہاں یہ بچوں کو مارتا ہوگا, یہ بچے کو اتنا مارے گا کہ اس کا ہارٹ ٹوٹ جائے گا. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جب اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے کہ یہ فیک نیوز ہے. نہیں سر, یہ انفارچونیٹلی ہاں بالکل ہوتا ہے, ہو رہا ہے. اور ابھی کل میں نے ہری پور کی ایک خبر پڑھی جہاں پہ ایک بچے کے خلاف جو ہے خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو مارا تھا بہت زیادہ ایک پرائیویٹ اسکول میں. تو یہ ہو رہا ہے, مطلب اس قسم کے چیزیں, اور اس پہ کافی سارا سزا ہونی چاہیے. دیکھیں, ایک تو میرے خیال میں ہمیں, جب میں چائلڈ ابیوز کے کسی بھی آسپیکٹ کی بات کرتا ہوں تو میرے خیال میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ پریونشن پہ کام ہو. ہمارے ہاں زیادہ فوکس ہوتا ہے سزا پہ کہ جی اس کو پھانسی دے دو, لٹکا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. وہ بھی ٹھیک ہے, سزا ہونی چاہیے اور ضرور ہونی چاہیے. جو بچوں کے ساتھ تشدد کرے اس کے خلاف اس کو سزا, اور خاص طور پہ اگر جنسی تشدد ہو اس کو تو ضرور سزا ملنی چاہیے اور سب کو. لیکن میرے خیال میں پریونشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو ہی نہ, کیونکہ ریسرچ سے یہ ثابت ہے کہ اس کے لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہوتے ہیں. ایون جو قصور کے واقعے میں جس شخص کو پھانسی ہو گئی, عمران جو اس میں مجرم ثابت ہوئے, ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ وہ خود بھی ابیوز سے گزرے ہیں, یہ باتیں سامنے آئیں. تو یہ پھر اس پہ معاشرے پہ اس کا کے اثرات ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو مطلب ریہیبلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں, ہمارے ہاں ریہیبلیٹیشن کا بھی اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے. تو جنرلی میرے خیال میں ہمیں پورے ایک چائلڈ پروٹیکشن سسٹم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جب میں سسٹم کی بات کرتا ہوں تو سسٹم پہ پھر ساری چیزیں آتی ہیں, لا اینڈ پالیسی بھی آتی ہے کہ قانون سازی کو بھی ہم دیکھیں, جہاں پہ سکم ہے اس کو بہتر کریں, جس پہ کافی کام ہوا ہے پچھلے سالوں میں پاکستان میں. اس کے ساتھ ایجوکیشن سسٹم, ہیلتھ سسٹم تو سنا تھا, اس کا مطلب چائلڈ پروٹیکشن کا بھی پورا ایک
قومی سطح پہ سسٹم ہونا چاہیے ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے. اور یہ آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا جی ہیلتھ سسٹم, اب ہمارے ہاں اس میں کوئی ٹھیک ہے سکم ہوں گے کمزوریاں ہوں گی لیکن ایک سسٹم موجود ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے لوگوں پیرنٹس کو کمیونٹی کو پتہ ہوتا ہے جی اس کو حفاظتی ٹیکے لگنے ہیں, یہ ہونا ہے یہ, اور کدھر جانا ہے اس کے لیے. جب پانچ سال کا چار سال کا ہو گیا ہے اب اس نے اسکول جانا ہے تو اسکول کہاں پہ ہے, ایک سسٹم موجود ہے جس پہ وہ بچہ. جب ہم چائلڈ پروٹیکشن کی یا بچوں کی تحفظ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح سسٹم جو ہے اس کے کچھ کڑیاں اس کی ہمارے ہاں ہیں لیکن ابھی اس کو اس پہ کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے بجٹ ری ایلوکیشن کی بھی, جس طرح ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن, حالانکہ وہاں بھی صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن جس طرح ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے بجٹ کی بات کرتے ہیں, اسی طرح چائلڈ پروٹیکشن سسٹم کے لیے بھی بجٹ ری ایلوکیشنز ہونی چاہیے. اسلام آباد کی سطح پہ ایون جو ہیں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, ہم باقی ملک کی کیا بات. بچوں کے حقوق کی ارشد صاحب جب ہم بات کریں تو کیا وہ ٹیکنیکلی منسٹری آف ہیومن رائٹس کے انڈر آتا ہے؟ اس وقت تو فیڈرل لیول پہ منسٹری آف ہیومن رائٹس دیکھ رہے ہیں. ویسے بچے جتنے ہیں ہمارے تعداد میں زیادہ, میرا تو خیال ہے پوری منسٹری بچوں کے لیے علیحدہ ہونی چاہیے. ضرور ہونی چاہیے, یہ کافی عرصے سے ایک پور رہی ہے ہماری, اور اس وجہ سے پھر اسی کیمپیننگ کے نتیجے میں جو نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ ایکٹ پاس کیا تھا پارلیمنٹ نے 2017 میں, وہ کمیشن بھی ابھی تک نہیں بنی ہے. تو ایٹ لیسٹ ایک ادارہ, ایک کمیشن, ایک باڈی ایسی ہو نیشنل لیول پہ جو بچوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرے, صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے. ہر صوبے میں علیحدہ علیحدہ قانون سازی ہے, 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تو چاروں صوبوں میں اب یہ ہے قانون سازی ہو گئی ہے بچوں کے تحفظ کے حوالے سے, چاروں صوبوں میں بھی ہے, اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری میں بھی ہے. لیکن آپس میں ایک کوآرڈینیشن, جو میں بات کر رہا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن سسٹم تو پہلا تو اس کا لا اینڈ پالیسی ہے, لیکن اس کے بعد مثلاً ٹرینڈ ڈیوٹی بیئررز ہیں, یہ جو اس میں آپ نے ٹیچرز کی بات کی, اس میں ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, اس میں پولیس والے ہیں, اس میں سوشل ورکرز ہیں, اس میں میڈیا کا ہے کہ آپ انہوں نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ بچوں کے ابیوز کے بارے میں اور بچوں کے حقوق کے بارے میں اور آسپیکٹس پہ آپ خبریں سامنے لے کے آتے ہیں, لیکن پھر اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. بچوں کے آئیڈینٹیٹی کے حوالے سے ان کی تصویروں کو فلیش کرنا یا اس طرح, جو بچے ابیوز کے خیال میں ایتھیکلی میڈیا ہینڈل نہیں کر رہا اس وقت, اس میں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, اور ایون سوشل میڈیا پہ ہم دوستوں سے وہاں پہ بھی ہو جاتی ہے پکچرز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں, اس کو دیکھنے کی ابھی ضرورت ہے. ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, کمرشل بریک, کیونکہ آپ کو پتا ہے کمرشلز بڑے ضروری ہیں جی, ساتھ ساتھ اس کے بغیر دس از دی آکسیجن فار دس اسکرین. ہم چل کے لیں گے ایک بریک, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ ہم ریکمنڈیشنز کی طرف آلریڈی ہم آ چکے ہیں, لیکن ہم چاہیں گے کہ 1, 2, 3, 4 چار ریکمنڈیشنز ارشد صاحب سے سوسائٹی کے لیول پہ, گھر کے لیول پہ, اور پالیسی اور قانون سازی کے لیول پہ ہم ارشد صاحب سے ضرور لینا چاہیں گے. رہیے میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے پی ٹی وی گلوبل پہ یو ایس اور یورپ کے ناظرین, اور پی ٹی وی نیوز اور پی ٹی وی ہوم کے تمام ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے بریکفاسٹ ایٹ ہوم, اس میں آپ جا کے اپنے علاقے, اپنے ملک, اپنے شہر, جہاں سے بھی آپ ہمیں یاد کر رہے ہیں, اپنا نام اور اس علاقے کا نام لکھ کر بتا سکتے ہیں کہ جو بھی ایشوز ہم اس شو میں ڈسکس کرتے ہیں ان پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اس لیے کہ ارشد صاحب ہمیں وہ جو پوائنٹ آف ویو اپنے ناظرین کا فیس بک پہ ملتا ہے, یقین جانیے اس قدر عمدہ کئی بار نکات سامنے آتے ہیں, تجاویز سامنے آتی ہیں ہمارے ناظرین کی جانب سے, جو کہ میرا خیال ہے کہ مین ڈسکورس کا حصہ بننی چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سرگودا میں بیٹھ کے ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے لیکن بچوں کے حقوق کے حوالے سے اس کے بعد اس کے پاس ایک بہت ہی اہم نقطہ یا مشورہ ہے. اچھا آئیں جی, اب ذرا تھوڑے سے ریکمنڈیشنز کے اوپر. ایک تو ہماری دل کی ریکمنڈیشن ہے کہ ایک دن آئے جب وفاقی سطح پہ اس ملک کے اندر بچوں کے حقوق کی منسٹری ہو, یہ تو ایک ڈریم ہے جو پتہ نہیں کس حکومت کو یہ سہرا جائے گا کہ وہ اس پہ پیش رفت کریں. اس پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جنرلی تمام لیڈرز سب لوگ, یہ بڑا ایک مشہور میں سمجھتا ہوں گھسا پٹا ایک جملہ ہے, بچے ہمارا مستقبل ہے. بچے ہمارا مستقبل نہیں ہے, وہ ہمارا حال بھی ہے.
ठीक है, और अगर हम अपने बच्चों पे तहफ्फुज़ उनको तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हमारा हाल वही होगा जो हमारा हाल है। तो बच्चों पे तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़रूरत है, और इसमें अब फेडरल गवर्नमेंट का भी है, सूबों का एक इंतहाई अहम किरदार है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कवानीन अब बहुत सारे बन गए हैं। मैं समझता हूँ पिछली एक दहाई जो है ये बच्चों के हवाले से कवानीन पे काफ़ी फोकस रहा, अब हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और बहुत उसकी तरह उसके साथ जाना चाहिए कि जी तेज़ी के साथ, और उस पर जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया बजटरी एलोकेशन हो, ड्यूटी बेयरर्स की ट्रेनिंग्स हो, डेटाबेस अगर हम चाइल्ड एब्यूज़ की बात करें तो एब्यूज़र्स के हवाले से भी वो होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए कि जिन लोगों का ऐसा रिकॉर्ड हो वो फिर बच्चों के साथ उस तरह निसाब के हवाले से हमने सुना था कि निसाब में तब्दीली, हाँ, कौन सा सूबा इस वक्त निसाब के हवाले से, जब ज़ैनब का केस हुआ था कसूर में, उसके बाद थोड़ा बहुत काम जो है वो पंजाब में हुआ है, और उसको बाकी सूबों को मेरे ख्याल में उसको रेप्लिकेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि निसाब का हम इसको किस तरह हिस्सा बनाएं। इसी तरह जो है इसके साथ साथ जो इदारे हैं, जो बॉडीज़ हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, और फिर ड्यूटी बेयरर्स, मैंने थोड़ा सा उस पर बात की, लेकिन जैसा हेल्थ प्रोफेशनल्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, टीचर्स का है, पुलिस की, मैंने वैसे पुलिस बहुत का ट्रेनिंग होती है कि ख्वातीन को हैंडल कैसे करना है, बच्चों को हैंडल कैसे करना है। जनरली पाकिस्तान की पुलिस को आप कैसे देखते हैं कि चाहे बच्चे पे कोई जुर्म मुलजिम बच्चा हो या उसके साथ उसने जुर्म किया हो या जिसके खिलाफ जुर्म हुआ उसके साथ पुलिस की हैंडलिंग कैसी है, उसमें अभी काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश है। आल दो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में एक ट्रेनिंग ख़त्म हुई है इस्लामाबाद पुलिस के लिए नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के बैनर तले, लेकिन ये है कि इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है चारों सूबों में। और जनरली पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि हम जाएं एक नेशनल कैंपेन की तरफ, नेशनल कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा। और उसमें वो गवर्नमेंट हो, सिर्फ जिस तरह एनजीओस तो कैंपेन्स चलाते रहते हैं, लेकिन उस तरह नहीं कि कोई एक एनजीओ अपने कैचमेंट एरिया में या कुछ जगहों पे करे, हुकूमत उसमें लीड ले, सिविल सोसाइटी भी उसमें साथ हो, चाइल्ड राइट्स मूवमेंट हो, साहिल जैसी तंजीमें, बाकी इदारे, स्पार्क, सेव द चिल्ड्रन, जो भी काम कर रहे हैं वो सारे उसका हिस्सा बने और एक नेशनल कैंपेन चले पाकिस्तानीज अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज़। और उसमें हर शोबे से लोग, मीडिया से, पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट से, सिविल सोसाइटी से, प्राइवेट सेक्टर से, टीचर्स, पेरेंट्स, चाइल्ड अब्यूज़, बिल्कुल। और ये जैसे कि आज की गुफ्तगू के साथियों पहले हिस्से में अरशद साहब ने वाजी किया कि जब हम चाइल्ड अब्यूज़ की बात करते हैं तो उमन हमारे जहन में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ आता है, यानी जिनसी ज्यादती आती है, क्योंकि पिछले 4-5 बरस के अंदर उसका बहुत ज़्यादा मीडिया पर जिक्र रहा। लेकिन जब हम बच्चों पर तशद्दुद की बात करते हैं तो इसकी तीन बड़ी कैटेगरीज हमने जहन में रखनी है, एक तो जिनसी ज्यादती है, एक जिस्मानी ज्यादती है यानी कि जिस्मानी मारपीट, और एक जज्बाती या नफ्सियाती ज्यादती है जिसको हम उमूमन, क्योंकि वो ज़ाहिरन नज़र नहीं आ रही होती है तो उस पर बात भी कम होती है और उसकी निशानदेही भी कम होती है, तो नफ्सियाती और इमोशनल ज़्यादती जो है वो भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। पाकिस्तानीज अगेंस्ट चाइल्ड अब्यूज, तो जनाब फिर कमिटमेंट जो है आज से हम चले, हम तो आपके साथ ही देखें ये शो और पीटीवी, आपको पता है हर इस तरह की चीज में पेश होता है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब तक इसको बड़ी हुकूमती और पीटीवी की सतह पे ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि पीटीवी घर घर जा रहे हैं। अगर हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की बात कर रहे हैं, साहिल की डेटा की बात कर रहे हैं, तो 76% अब्यूज के केसेस जो हैं वो रूरल एरियाज से रिपोर्ट होते हैं, तो ये किसी जगह तक लिमिटेड नहीं है कि जिस तरह अर्बन में हो रहा है रूरल में नहीं हो रहा है, सब जगहों पर हो रहा है और हर जगह पे पूरे पाकिस्तान में हमें ज़रूरत है कि हम काम करें ताकि हम अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें और उनके हुकूक जो हैं उनकी प्रमोशन कर सकें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ आवरी का। और आज के नशिस्त में साथी हमारा मकसद भी यही था कि जब कोई वाकया हो जाता है तब तो हर कोई उस वाकये की फुटेज और उसकी बातें और जनाब पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया क्या हुआ CCTV फुटेज और ये वो, आम जब कोई वाकया नहीं होता तब बैठ के इन मसाइल पे गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि हम मिनहसुल कौम इसके हल की तरफ जाएं और हम सिर्फ वाकयात के स्क्रीन के यूज़र और कंज्यूमर्स ना बने, हम उसमें अपना कुछ मुस्बत हिस्सा भी डाल सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा,
आगे दो छुट्टियां हैं, रिलैक्स करें, अच्छा अच्छा सोचें, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें, जिंदगी दे दी इजाजत। तो पीर को सुबह 7:15 पे पाकिस्तान टाइम और सुपहर 4 बजे पाकिस्तान टाइम और पीटीवी ग्लोबल यूएस सुबह 8 बजे और पीटीवी ग्लोबल यूरोप टाइम सुबह 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। और पीटीवी न्यूज़ पे तो आपसे मुलाकात हमारी होती ही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।